सरकार जहां एक तरफ महिला सुरक्षा पर दावे करती नहीं थकती, तीन तलाक बिल जिसका जीता जागता उदाहरण है, जिसके पास होने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि बिल के आने के बाद महिला अपराधों पर लगाम लगेगी, लेकिन जिस प्रकार से महिला अपराधों के मामले सामने आ रहे हैं उससे महिला अपराधों पर लगाम लगना नामुमकिन दिख रहा है। मामला है कानपुर नगर के बिल्हौर थाने डोडवा जमोली का है, जहां एक महिला को उसके पति व ससुरालजन ने शादी के बाद कार की मांग पूरी न होने पर मौत के घाट उतारने का किया प्रयास। मामला ककवन कस्बे में रहने वाले किसान किलर बाबू की बेटी मनीषा का है, जिसका अभी 5 माह पूर्व डोडवा के ही सिवा से हुआ था विवाह, जिसमें पीड़िता के परिजनों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया। शादी के कुछ दिनों के बाद पीड़िता को तरह तरह से प्रताड़ित किए जाने लगा और घर वालों से कार मांगने का दबाव बनाया जाने लगा। जब वह इसका विरोध करती तो पति समेत ससुराल जन उसके साथ मारपीट करने लगे। 1 मई की शाम को एक राय होकर पति समेत ससुराली जन ने नवनिवाहिता को लाठी डंडे व चाकुओं से हमला कर मौत के घाट उतारने का प्रयास किया, जिसमें पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई। ससुराल में रहने वाले पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस पति को थाने ले आई। जब पीड़िता अपने परिजनों समेत पति व ससुराल जन के खिलाफ कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र लेकर कोतवाली बिल्हौर पहुंची तो उसे बिना मेडिकल जांच कराए 2 दिन तक टहलाया गया और कोतवाल बिल्हौर द्वारा सुलह का दबाव बनाया गया। पीड़िता द्वारा कार्यवाही की मांग किए जाने पर कोतवाली से भगा दिया गया। कानपुर से संवाददाता हर्षित सिंह की रिपोर्ट। दिन हमको बस अच्छे से रखा और शुरू से गाड़ी फोर व्हीलर गाड़ी मांग रहे। पापा ने हमारे सारा दहेज लिया और सुपर स्प्लेंडर गाड़ी भी दी है, फिर भी मारपीट करते और कहते घर से पैसे लाओ, हर बार जितनी बार जाओ उतनी बार 20,000 लेकर आओ, कभी लेकर आई हो, इसीलिए हर दिन मारते हैं। फिर भी सोच कर हम यहाँ आते, मम्मी पापा समझौता कर कर भेज देते हैं, पंचायत भी लगती, और लेकिन अब की एक बार शाम 6 बजे हमको घर से भेजा गया और करौली में हमको मारपीट की और घर जाकर दरवाजे और गेट बंद करके खूब पीटा, चाकुओं से, बेल्टों से, ताकियों से, संभाल किसी ने पीटा। ननद थी, 2 ननदोई और सास ससुर, अजिया सास देवर दे और ननद ने, किसी ने मुंह में कपड़ा घसोर दिया, किसी ने गर्दन दाबी और मारते रहे बहुत, किसी ने खबर कर दी गाँव वालों ने थाने में दिलौर और वहाँ से चौकी में खबर गई, वहाँ से 4 लोग पुलिस वाले गए। 1 बजे रात को हमको लेकर निकाल कर लाए, ना वरना जान से मार देते और गाड़ी यही मांग रहे फोर व्हीलर गाड़ी लेकर आओ वरना जान से मार देंगे। हर बार पीटते हैं हमारे, एक अभी महीने भर पहले भी पीटा था तो हाथ दूसरे उल्टे हाथ में हमारी चोट लगी, अब की बार सीधे में मार दी और एक बार डाई भी गोली है, सब्जी में खिला रहे थे जबरदस्ती, तब गांव वालों ने देखा और बचाया। अच्छा, पुलिस के पास आपके ने कुछ कंप्लेन की ससुराली वाले जनों के खिलाफ, कोई कार्रवाई करी अभी तक आपने? थे 2-3 दिन से बराबर जा रहे बिल्हौर थाने, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, कहीं बोलते समझौता कर लो ये वो। कौन बोलता समझौता? इंस्पेक्टर साहब ने कहा, और कल हम गए तो गालियाँ देकर और धक्के मार कर इंस्पेक्टर साहब ने वहाँ से निकाल दिया, बोला कि जो करना है वो कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। तो इन्होंने जान मान से मारने की कोशिश की 1 तारीख को, वहाँ गाँव वालों ने खबर की तो पुलिस आई उतरी चौकी से, तो वहाँ फिर इनको रात में निकाला आके और सब लोग ये भाग गए 1 बजे रात में, और वहाँ जब हम सुबह गए तो वहाँ हमने FIR की, तो उन्होंने FIR लेकर पढ़ करके और कह दिया कि आप कोतवाली जाएं, तो मैं कोतवाली पहुँचा, तो वहाँ 3 दिन से मैं चक्कर लगा रहा हूँ उनके पास, 6-6 बजे रात को दिन को आते हैं वहाँ से और हमसे कह देते हैं कि अभी लिखेंगे, हमको हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं। किसका दबाव बनाते? दबाव इसलिए बनाते हैं कि सुलह हो जाओ, और नहीं सुलह होगा तो हम तुम्हारी एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे। अच्छा, क्यों मारते, क्यों आपकी बेटी को मारते हैं? दहेज के वजह से मैंने सब कुछ दिया और फोर व्हीलर गाड़ी मांगते हैं कि दो तो हम लड़की को रख पाएंगे, नहीं तो जान से मार देंगे। अच्छा, तो बिल्लौर पुलिस ने अभी तक कुछ कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की है।